दोस्तों मुझसे कुछ एक कस्टमर कहते हैं कि जब वो बैकअप लेते हैं तो उनकी बहुत छोटी छोटी फाइल्स बनती हैं, कोई 10 सेकंड की, कोई 20 सेकंड की, कोई 1 मिनट की, कोई 10 मिनट की, और वो चाहते हैं कि बार बार इतनी सारी फाइल्स को लेना, उसका बैकअप लेना वो उनको पसंद नहीं आता, वो जानना चाहते कि ऐसा क्यों है। सो गाइज इसके दो तरीके होते हैं। इसमें आप शेड्यूल खुद सेट करते हैं कितने घंटे की आपकी फाइल बननी चाहिए, मैक्सिमम 1 घंटे की एक फाइल बनती है, लेकिन वो तब बनती है जब आपकी रिकॉर्डिंग मोशन पे ना हो। अगर आपकी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है तो ही आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं कि आपकी फाइल पूरे 1 घंटे की बने। मोशन पे होगी तो वो छोटी छोटी फाइल बनती रहती हैं। कैसे आप मोशन से रिकॉर्डिंग को हटा सकते हो, कैसे आप अपनी रिकॉर्डिंग का बैकअप जो है वो 1 घंटे की एक फाइल कर सकते हो, लेके चलूंगा आपको अपने डिस्प्ले पे DVR की और दिखाऊंगा क्या सेटिंग आपको करनी पड़ती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन, आप देख रहे हैं सीसीटीवी हेल्पलाइन। चलते हैं डिस्प्ले पे। सो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं मेन मेन्यू पे। यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे इसमें एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग के अंदर स्टोरेज। स्टोरेज में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिक का ऑप्शन। बेसिक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके दो ऑप्शन हैं कि आपकी टाइम लेंथ कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन हार्ड डिस्क फुल होने के बाद ओवरराइट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अलार्म करना चाहिए, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अगर ओवरराइट के बदले आप करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग होनी स्टॉप हो जाएगी, आपको चल जाएगा पता मेरी हार्ड डिस्क फुल हो गई है। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये ओवरराइट ही होता है कि जब हमारी अगर 10 दिन का बैकअप है तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली मेरा बैकअप चेंज होता रहे, मतलब नया ऐड होता रहे, पुराना इरेज होता रहे, तो ओवरराइट पे सिलेक्टेड रहता है वो ठीक है। टाइम लेंथ 60 मिनट, हम चाहते हैं हमारी एक फाइल 60 मिनट की बने, तो गाइस ये वाली सेटिंग तो ठीक है। अब हमारा दूसरा ऑप्शन आता है कि हम मोशन से कैसे रिकॉर्डिंग को हटाएं और कैसे एक एक फाइल को एक एक घंटा करें, तो आप यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है शेड्यूल का। हम चाहते हैं जो हमारा बाहर वाला कैमरा है उसकी फाइल तो एटलीस्ट 1 घंटे की बने, अंदर तो हमें मोशन चाहिए, बाहर में मोशन नहीं चाहिए, तो हम कैमरा नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा बाहर का कैमरा है कैमरा 2 पे सेलेक्ट है। तो इसको हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग की हो रखी है, मोशन पे हो रखी है, तो हमें यहाँ से इसको एडिट करना है, सेटिंग पे जाना है, इसको हमें करना है रेगुलर, मोशन को हमने क्लिक हटा देना है और यहाँ से करना है ऑल डेज और कर देना है ओके। सो आप देख रहे हैं मेरी सिर्फ ग्रीन लाइन आ रही है, ग्रीन का मतलब रेगुलर, अब मेरी रिकॉर्डिंग रेगुलर हो रही है, मोशन पे नहीं हो रही। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ कैमरा नंबर 1 की दिखाता हूँ सेटिंग आपको, पहले इसको अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखेंगे कैमरा नंबर 1 की बाय डिफॉल्ट कैसे होती है कि रिकॉर्डिंग मेरी मोशन पे भी हो रही होगी और कंटिन्यू भी हो रही होगी, तो आप देख रहे हैं येलो लाइन भी आ रही है, ग्रीन लाइन भी आ रही है, इसका मतलब दोनों रिकॉर्डिंग मेरी हो रही है। दोनों रिकॉर्डिंग होगी तो फाइल वो छोटी छोटी ही बनती रहेंगी, क्योंकि जब भी मोशन होगा तो वो फाइल बनेगी, फिर दोबारा मोशन हटा तो फाइल बंद हो जाएगी। तो अगर आप रेगुलर कर दोगे तो आपकी फाइल 1-1 घंटे की एक फाइल बनेगी, जब भी आप बैकअप लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस उम्मीद करूंगा आप समझे होंगे किस तरह से सेटिंग होती है, क्यों आपकी फाइल छोटी छोटी बनती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद आ रहा है, क्योंकि आप इतना लंबा वीडियो देखते हो तो पसंद आ ही रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। कोई भी मन में डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए, मैं रेडी हूं आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना लंबा देखने के लिए। टेक केयर।